उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अटाला इलाके में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के डर से दुकानदार अपनी दुकानों का सामान हटा रहे हैं। आलम यह है कि अटाला के तमाम दुकानदारों ने सोमवार सुबह से ही अपनी दुकान खाली करना शुरू कर दिया है। अटाला इलाके में बीते हफ्ते हुई हिंसा के बाद पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। हिंसा के आरोपियों की तमाम इमारतों को तोड़ा जाने लगा है। इस मामले में बड़ा एक्शन उस वक्त हुआ जब जावेद अहमद पंप के घर पर जेसीबी का एक्शन शुरू किया गया। रविवार को हुई इस कार्रवाई के बाद अटाला में सोमवार से ही दुकानदारों के बीच डर का माहौल है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार अवैध बताकर उनकी दुकान को तोड़ सकती है, इस डर से वो अपना सामान यहां से हटा रहे हैं जिससे कि आर्थिक नुकसान न हो। वहीं अटाला में बीते हफ्ते हुई हिंसा के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अटाला इलाके में बाजार की ओर आ रहा रास्ता बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा यहां पर पुलिस बल का सख्त पहरा है जिससे कि यहां पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रयागराज में हुई हिंसा की घटना के बाद बुलडोजर के एक्शन का विरोध भी हो रहा है। विपक्षी दलों ने जहां सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि पत्थर फेंकने वालों पर ऐसे ही एक्शन होता है, लेकिन सबके बीच दुकानदारों की फजीहत हो रही है क्योंकि उनके लिए रोजी रोटी पर बड़ा संकट आ गया है। बुलडोजर का एक्शन उपद्रवियों पर लगाम तो लगा रहा है, लेकिन व्यापार उन लोगों का भी प्रभावित है जो आम दुकानदारों की तरह यहां पर अपना काम करते थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।